आधार कार्ड एक ऐसी आईडी है जो काफी इम्पोर्टेंट बन चुकी है। आधार कार्ड को लगभग सभी जगह यूज किया जाता है। आपको अपना अकाउंट ओपन करना हो, किसी गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करना हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अप्लाई करना हो, या फिर पैसे विड्रॉ या फिर जमा करने हो, वहाँ भी आधार कार्ड का यूज किया जाता है। एक अकेली आईडी के इतनी सारी सर्विसेज के साथ जुड़े रहने से काफी लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से किसी गलत सर्विस में आधार कार्ड के यूज होने से कोई गलत व्यक्ति उनके साथ फ्रॉड कर देता है। लेकिन आप काफी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कौन कौन सी सर्विसेज में यूज किया जा रहा है। तो गाइस वेलकम बैक टू सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस, और आज की वीडियो में हम आधार कार्ड से जो भी सर्विसेज जुड़ी हैं उनको चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड से जुड़ी सर्विसेज को चेक करने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहाँ पर टाइप करना है UIDAI। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फोन में भी ये प्रोसेस फॉलो करके अपने आधार कार्ड की सर्विसेज चेक कर सकते हैं। UIDAI टाइप करने के बाद आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा UIDAI.gov.in। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने UIDAI का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप इस पोर्टल पर आधार से जुड़े काफी सारे काम कर सकते हैं। आधार से एक्टिवेट सर्विस जानने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई आधार। आप इस पर कर्सर लेकर आएंगे, आपको यहाँ पर काफी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर आधार सर्विसेज के कॉलम में आना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। आप इस पर क्लिक करेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, फिर ये वाला कैप्चा यहाँ पर टाइप करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है, प्लीज चेक योर मोबाइल। आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेशन टाइप। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ सर्विसेज देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक OTP, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक एंड OTP, डेमोग्राफिक एंड OTP। अगर आप यहां पर बायोमेट्रिक चूज करते हैं तो आपका आधार कार्ड जिस भी बायोमेट्रिक सर्विस में यूज किया गया है या फिर किसी दूसरे तरीके से आपका आधार कार्ड यूज किया गया है तो आपके सामने यहां से सेलेक्ट करने पर वो सर्विस आ जाएगी। आपको यहां पर ऑल पर सेलेक्ट रखना है। ऑल पर सेलेक्ट रखने के बाद आपके सामने डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक OTP या फिर किसी भी मेथड से आपका आधार कार्ड यूज किया गया है वो सभी सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद आपको यहां से अपनी डेट रेंज सेलेक्ट करनी है। आप यहां कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर अपने प्रेजेंट डे से लास्ट 6 महीने की हिस्ट्री ही चेक कर सकते हैं। आप यहां पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लें, उसके बाद डेट सेलेक्ट करें और यहां पर अपनी एंड डेट सेलेक्ट करें। एंड डे यानी कि प्रेजेंट डे, आपकी प्रेजेंट में जो भी डेट हो आप यहां से वो सेलेक्ट कर लें। आपके स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहां पर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि आपको कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 50 रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर 50 टाइप कर दें, इसका मतलब है कि आप अपने आधार कार्ड से जुड़ी कितनी सर्विसेज चेक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर टाइप करें और फिर नीचे आएं। यहाँ पर आपको अपना OTP टाइप करना है जो भी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। OTP टाइप करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। आपके सामने आपके आधार कार्ड से जुड़ी सभी सर्विसेज आ जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे जितनी भी सर्विसेज आपके आधार कार्ड से जुड़ी हैं सभी आपके सामने आती रहेंगी। आपको यहाँ पर आपके सर्विसेज की हिस्ट्री भी मिल जाएगी, आपने कौन सी सर्विस कब यूज़ की है। चलिए मैं आपको एक दो सर्विसेज दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन सी सर्विसेज से अपना आधार कार्ड लिंक कराया हुआ है। जैसे कि ये पहली सर्विस है, मैंने इसको बायोमेट्रिक से अपना आधार कार्ड लिंक कराया हुआ है और इस सर्विस का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब श्रम कार्ड बने थे तो मैंने श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पर बायोमेट्रिक से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। नीचे आपको यहाँ पर दूसरी सर्विस मिल जाएगी CSC की। मेरे पास CSC ID है तो मैं जब लॉगिन करता हूँ तो उसमें मुझे एक बायोमेट्रिक स्कैन करना होता है, तभी इसमें लॉगिन होता है। तो मैंने यहाँ पर बायोमेट्रिक से अपना आधार कार्ड लिंक कराया हुआ है। बायोमेट्रिक के अलावा मैंने यहाँ OTP भी यूज़ किया है, लेकिन मुझे इस सर्विस का याद नहीं है मैंने इसको कब एक्टिवेट कराया था, मैंने कब इसके लिए OTP यूज़ किया था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सर्विस है जो आपको याद नहीं है लेकिन वो आपके आधार कार्ड से एक्टिवेट है
तो आप उसको डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। डीएक्टिवेट कराने के लिए आपको अपने पेज में स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, आप इस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी सर्विस डीएक्टिवेट करा सकते हैं, या फिर आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। आपका आधार कार्ड सिर्फ आप ही यूज कर सकें, इसके लिए आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड सिर्फ आप ही यूज करें, इसके लिए आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं और जब चाहें उसको बाद में अनलॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के बाद अगर कोई आपका ओटीपी, बायोमेट्रिक या फिर आपके आधार कार्ड से कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको हर चीज में एरर ही दिखाई देगा। तो आधार कार्ड को लॉक करने के लिए, ताकि आप उसको कम्प्लीटली सेव कर सकें, आपको यहाँ UIDAI के पेज पर फिर से आ जाना है। आपको यहाँ माई आधार वाले टैब में आ जाना है और आधार सर्विसेज के सेक्शन में आपको सेकंड लास्ट आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लॉक UID या फिर अनलॉक UID। आपको आधार कार्ड लॉक करना है तो आप लॉक पर सेलेक्ट करेंगे, फिर अगर अनलॉक करना है तो आप अनलॉक पर सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें लॉक करना है तो हम लॉक पर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, अपना फुल नेम टाइप करेंगे जैसा भी आधार कार्ड में लिखा हुआ है, फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करना है, उसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पर टाइप करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, आप उसको यहाँ पर टाइप करके उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा, आपका आधार कार्ड लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड को कहीं पर यूज नहीं कर सकते, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरी सर्विस अवेल कर सकते हैं जहां पर आधार कार्ड का यूज हो सकता है। अगर आपको अपने आधार कार्ड की सर्विसेज यूज करनी है तो आप फिर से इसी पेज पर आएंगे और यहां अनलॉक पर क्लिक करेंगे, फिर अपना UID नंबर यहां टाइप करेंगे, ये वाला कैप्चा यहां टाइप करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका कार्ड अनलॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके आधार कार्ड के साथ एक्टिव हैं। और अगर कोई ऐसी सर्विस है जो आपकी नॉलेज में नहीं है तो आप उसको डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।